सो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि एक कैलकुलेटर से रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस कैलकुलेटर के अंदर एक हिडन कैमरा और बिल्कुल भी किसी को शक नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले आप इसकी कैमरा क्वालिटी अभी देख लो और अब इसको हम चलाना सीखने वाले हैं और देखेंगे इसकी कैसी कैमरा क्वालिटी होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो होने वाली है हमारी एक कैलकुलेटर के ऊपर। जी हाँ, एक कैलकुलेटर के अंदर होगा एक हिडन कैमरा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को हम खत्म करेंगे तीन पार्ट में। जी हाँ, तीन पार्ट में वीडियो खत्म। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे इसको चलाते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे और वाइड एरिया नेटवर्क पे। गाइस लोकल एरिया नेटवर्क आप 10 मीटर तक की रेंज में कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा करना है कि आप अमेरिका में बैठे हो और दिल्ली में कैमरा लग रहा है और आप अमेरिका में बैठ के अपने फोन में लाइव स्ट्रीमिंग कर सको, तो वो कैसे, आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। एंड सेकेंड इज हम देखेंगे इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी होती है और थर्ड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम के बारे में, लाइक कि आपका कैमरा कैसे खराब होता है, कैलकुलेटर कैमरे में अगर कुछ खराबी हो जाए तो उसको ठीक कैसे करें, अगर आपका कैमरा खराब हो गया कैलकुलेटर कैमरा तो उसको ठीक कैसे करें। तो वैसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तीनों चीज सीखते हैं, बड़ा मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, अभी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो स्टार्ट कर, सो गाइस ये रहा हमारा कैलकुलेटर हिडन कैमरा। तो गाइस चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते कैसा ये चलता है, क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या है, सारी आगे चलते हुए वीडियो में बात करते चलेंगे और इसको चलाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, सेम फीचर्स है इसके अंदर, सेम वैसे ही चलेगा, बस साथ में हमें इसके अंदर मिलेगा हिडन कैमरा। इसमें जैसे सेल डलेगा पीछे यहाँ पे, जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर में डलता है। और इसके अलावा इसको आप जब इसको ऐसे, एक सेकेंड, इसको आप जब लेफ्ट की साइड प्रेस करोगे बटन को, हमारा डिवाइस ऑन हो जाएगा, ब्लू लाइट जलने लगी, यहां से आप इसको चार्ज कर सकते हो और यहाँ पे मेमोरी कार्ड डलेगा। इसके बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ। और गाइज इसकी चार्जिंग का टाइम जो है वो 2 घंटे चार्ज करने पे 3 से 4 घंटे तक की रिकॉर्डिंग करता है, प्लस इसमें 32 GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप इसका देख रहे हो हिडन कैमरा, मतलब इस जगह हमारा हिडन कैमरा। और अभी क्या हमें करना है, डिवाइस ऑन करने के बाद वाईफाई में जाना है, यहाँ पे हमें लिंक मिलेगा MV करके, उस लिंक को हमें कनेक्ट करना है। ये हमारे कैमरे का लिंक होता है, देखो ये लिंक आ गया, हमने इस लिंक को कनेक्ट कर लिया। इस लिंक को कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन ओपन की V380 Pro। जैसे गाइज मैंने V380 Pro एप्लीकेशन ओपन की, एक सेकेंड में करके दिखा देता हूँ, और जैसे ही मैं ये एप्लीकेशन अपनी ओपन करूंगा, 1 मिनट का टाइम देगा एप्लीकेशन ओपन करने में। जैसे हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लॉगिन रजिस्टर कर सकते हो। अभी मैं ट्राई विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं इसको नीचे की साइड को स्क्रॉल करूंगा स्क्रीन को, ऐड डिवाइस का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक किया और ये मांग रहा है पासवर्ड कि अपने डिवाइस का पासवर्ड डालो, A1234567@ कंपनी की तरफ से पासवर्ड आता है। अगर ये पासवर्ड से ओपन नहीं हो रहा तो आप डिवाइस को रीसेट कर सकते हो, रीसेट करना भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाला, @ डाला, इसको कंफर्म कर दिया, ये मेरा ओपन हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि इससे कैसे रिकॉर्डिंग आ रही है और मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। बट ये क्या, ये है हमारा वैन पे कनेक्ट, मतलब कि लैन पे कनेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि जब हम दूर जाएंगे तो ये हमारा नहीं चलेगा। अभी आप देख रहे हो लैन पे की आस, मतलब जब हमारा डिवाइस जो है वो पास में है। अगर हमें ऐसा करना है, दिल्ली में बैठ के आगरा का व्यू देखना है, उसके लिए इसको वैन पे कनेक्ट करना है, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अभी इसकी आप कैमरा क्वालिटी देखिए कि इसकी कैसी कैमरा क्वालिटी आ रही है। और इसके अंदर का इस मेमोरी कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होगी, मतलब जब हम अपने डिवाइस को ऑन कर देंगे और उसको हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही जाके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है मेमोरी कार्ड निकाल के देखना होगा। अब वैन पे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये जो तीन डॉट बने आ रहे हैं, इन तीन डॉट पे हमें क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, नेटवर्क में हमें जाना है, ये जो नेटवर्क लिखा है यहाँ पे वाईफाई स्टेशन मोड में जाना है, प्लीज सिलेक्ट वाईफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे वाईफाई का नाम हमें दिख जाएगा, उस पर हमें क्लिक करना है। अभी उसको आने में 1 से 2 मिनट लगेगी, वेट करते हैं उसके आने का। और ये लोडिंग हो रहा है, वाईफाई का नाम आने के लिए ये आ गया। देखो यहाँ पे हमें मिलेगा स्पाई कैम करके, ये रहा स्पाई 360 डिग्री, इसका हमने पासवर्ड डाला और ये हमारा कनेक्ट हो गया। और अब जो है हमारा ये कनेक्ट हो गया वैन पे। इसके बाद मैंने अपना वाईफाई बंद कर दिया क्योंकि मेरा तो ये कैमरा कनेक्ट हो चुका है। अब तो मैं फोन का नेट ऑन करके दिल्ली में बैठ के आगरा का व्यू देखूंगा, मतलब जहां भी मैंने कैमरा लगाया वहां का व्यू देखूंगा। अब मैंने वापस अपनी एप्लीकेशन ओपन की
और मैं अब लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। और गाइस सबसे बड़ी बात, आप लाइव स्ट्रीमिंग कहीं भी बैठ के कर सकते हो, बस आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए और जहां भी आपने कैमरा लगाया वहां होना चाहिए वाईफाई। ट्राई विदाउट एन अकाउंट किया, कंटिन्यू किया, ये डिवाइस ऑफलाइन इसलिए लिखा रहा है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ये कनेक्ट हुआ है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेता है इसको। एक बार मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, डिवाइस ऑफलाइन लिखा रहा है तो मैं इसको साइड से क्लिक करके एक बार हटा दूंगा। जैसे ही गाइस मैं इसको हटाऊंगा, देखो मैंने हटा दिया। फर्स्ट टाइम हमें करना है, पहली बारी में ही ऐसा होगा, बार बार नहीं होता। वापस V380 एप्लीकेशन मैंने ओपन की, वो क्या होता है कनेक्ट होने में, वाईफाई से जब हमारा कनेक्ट होने के लिए भी लगाया था ना, उसमें ये टाइम ले रहा था। अब हमने क्या किया, स्किप पे क्लिक किया, जैसे ही स्किप पे क्लिक किया, ट्राई विदाउट एन अकाउंट कंटिन्यू किया, अब ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा है, हम मतलब अपना नेट ऑन करके देख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कैमरा क्वालिटी आ रही है और ये हमारा कनेक्ट है वैन पे। अब कितनी भी दूर बैठ के जहां भी कैमरा लगाया। गाइज अब बात कर देंगे हमारे कैमरे में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किन वजह से हमारा कैलकुलेटर कैमरा खराब हो जाता है, या उसका लिंक आना बंद हो जाता है, या पासवर्ड गलत बताता है, या पासवर्ड भूल जाते हैं। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक, इनशॉर्ट आपको क्या करना है सिर्फ इतना बताता हूँ, आपको अपने डिवाइस को रीसेट करना है। रीसेट कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइस को ऑन करेंगे, उसके बाद ये जो आप फोटो देख रहे हो इसमें ये जो रेड कलर का मैंने सर्कल कर रखा है, इसके अंदर ये जो बटन है इसको प्रेस करना है 15 सेकंड के लिए डिवाइस को ऑन करके। जब इसको रीसेट दबा के रखोगा 15 सेकंड के लिए, हमारा डिवाइस रीसेट हो जाएगा। डिवाइस की रीसेट होती हमारा लिंक आना चालू हो जाएगा वाईफाई का, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, पहले लैन पे फिर वैन पे कनेक्ट करना है और आप फिर कहीं भी बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो करना क्या है, डिवाइस को रीसेट करना है अगर डिवाइस नहीं चल रहा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बने रहिए स्विफ्ट नाइट स्पाई कैमरा।